हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 6 अक्टूबर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, और प्रातः सुबह 6 बजे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज मैं प्रॉपर तरीके से डीपली वाइज समझाता हूँ, बाहर से कुछ नया ऐड करके। जो पॉइंट उससे टच है, बिल्कुल उससे रिलेटेड है, जो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वहां से क्वेश्चन, वो पॉइंट्स पॉइंट जो रिलेट होते हैं उनको आपके सामने रखता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैं रोज बताता हूँ अपनी क्लास के अंतर्गत, जो भी बच्चे एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होते हैं 101%, डिफेंस रिलेटेड होते हैं, स्टेट पीसीएस तक के लिए मैं अपनी करंट अफेयर लेकर आता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी क्लास होती है, आपको खूब अच्छी तरीके से पता होगी। प्रातः सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट का तहलका लेकर जो आती है, प्रातः सुबह 6 बजे प्रेजेंट हो जाती है आपके सामने। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची मैं आपके सामने साझा करता हूँ। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता होगी अहिंसा दिवस होता है, गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री इनकी प्रॉपर तरीके से उसी दिन मैंने चर्चा कर दी थी। और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस के बारे में, और 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वहीं पर 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है विश्व स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अपने 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगी इन चीजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होती है क्लासेस। अडानी ग्रीन ने कितने मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर यंत्र चालू किया है? तो 300 मेगावाट है, 400 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, 600 मेगावाट है। तो 600 मेगावाट के साथ, ये पूरे दुनिया की, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र। ये क्वेश्चन 101% आने वाला है, ये निशान लगा लेना। आइए थोड़ा पॉइंट वाइज और मैं डिस्कस कर दूं। हाइब्रिड संयंत्र में 600 मेगावाट का सौर और 150 मेगावाट का पवन संयंत्र शामिल है। यह हाइब्रिड पावर प्लांट ट्रांसमिशन नेटवर्क के इष्टतम उपयोग में मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है। AGEL बोला तो अडानी ग्रीन, और L से बोले लिमिटेड, और बीच में क्या है AGE बोले तो एनर्जी। ठीक है, तो AGEL में AGEL, ठीक है। तो इसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि कुल परिचालन उत्पादन क्षमता अब 6.7 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस संयंत्र ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 2.69 रुपए प्रति यूनिट पर 25 साल बिजली खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब पीपीए किया। और मैं बता दूं कि मई 2022 में AGEL ने राजस्थान के जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया था। यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी साझा कर दिया है। वहीं पर नोट करके मैंने लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामगुंडम में है, इसकी भी चर्चा कर चुका हूं। नवंबर 2021 तक बादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु में मप्पुपंडन विंड फार्म 1500 मेगावाट की कुल क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल निशान लगा लेना। PDF आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमित सर जी के से, सीधा वहां पर कल और आज की दोनों, जैसे कि कल की मैंने छुट्टी नहीं की थी क्योंकि एक ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए मैंने कल क्लास कराई थी, आप देखकर जाकर के देख सकते हो, ऑन यूट्यूब पर फ्री है। PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है अपनी तरफ से। ठीक है, सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार पूरे भारत में 5G टेक्निक के कितने लैब स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 100 लैब बनाई जा रही है, इनकी डिस्कस में पॉइंट वाइज करता हूँ कि सरकार उनमें से 12 लैब, जो 600 है उनमें से 12 लैब का उपयोग छात्रों के प्रशिक्षण देने और प्रयोग करने के लिए करेगी। 12 लैब का इस्तेमाल टेलीकॉम इंक्यूबेटरों के तौर पर किया जाएगा। एक कार्यक्रम में HFCL ने 5G समाधान और सेवाओं को शुरू करने के लिए 56 लैब
एसए सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। यह उत्पाद नवाचारों के लिए निजी क्षेत्र शिक्षाविदों सरकार के लिए 140% वातावरण प्रदान करने में मदद करेगा। 5G लैब लो मिलिट्री लोर्ज लार्ज सेल के लिए पूर्व एकीकृत और पूर्व मान्य 56 समाधान बनाने में मदद करेगा। और बता दूं, इससे पहले ऑरेंज जॉर्डन ने, ये इंपॉर्टेंट है, अब्दाली के ऑरेंज डिजिटल विलेज में ऑरेंज 5G लैब का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय एयरटेल 5G का सेवा शुरू करने वाला पहला पहली कंपनी बन गई है एयरटेल। ये क्वेश्चन नोट कर लेना इसको, यह सेवा 8 शहरों में उपलब्ध करा रहा है अभी फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय की घोषणा की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगी। तो रशिया के हैं ये, रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने ये घोषणा कर दी कि हमने यूक्रेन के 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आपको दिख रहा होगा, पता भी होगा, वो कौन कौन से यूक्रेन के क्षेत्र है, डोनास्क, लोनास्क, खर्सन और जापोरजिया। ये इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से विश्व स्तर पर क्लास करवाई थी, आप देख सकते हैं। तो नीचे क्रोमिया यहीं पर ही है वे दोनों, ठीक है। टोटल 15% हिस्सा पर आपको पता होगा, पिछले 7 महीने से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें जो कि अब जो हाथ मतलब कि कुल मिलाकर जो भारी पड़ने लगा है दोबारा से। पहले यूक्रेन था, 2 क्षेत्रों को अपना कब्जा में कर लिया था यूक्रेन ने, जो भी पहले ऑलरेडी रशिया के नहीं थे, वो ऑलरेडी इसी के थे, रशिया ने ले लिए थे। पर लेकिन बाकायदा यूक्रेन ने उस पर अटैक किया, रशिया के उन जो कब्जे हुए क्षेत्र थे दो, उन पर ऑलरेडी मैं सभी चीजें पॉइंट वाइज बता चुका हूँ अपनी विषय स्तर पर, लेकिन बता रहा हूँ उन पर कब्जा करके फिर 15% जो हिस्सा उनमें से 4 क्षेत्र जो आपको मैं बता चुका हूँ उन पर हिस्सा कर चुका है। और ये घोषणा भी कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट क्षेत्र रहेंगे या देश रहेंगे। ये सभी चीजें पुतिन साहब के द्वारा स्पीच या भाषण में दे चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 2.8 हो गया है? इसको कैड बोले जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिशिएट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक वालों के लिए। तो 2023 इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 2023 वित्त वर्ष के लिए ये आंकड़े थे। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जीडीपी बोला तो 2.8%। व्यापार घाटा पिछली तिमाही में 54.5 अरब डॉलर से बढ़कर के 68.6 अरब डॉलर हो गया है। चालू खाता आपको पता है व्यापार घाटे के कारण बढ़ा है, और आरबीआई के अनुसार शुद्ध सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई है और सेवा निर्यात में 35.4% का इजाफा हुआ है, ठीक है। आरबीआई के आंकड़े बता दूं कि शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है 11.6 अरब डॉलर से बढ़कर के 13.6 अरब डॉलर हो गया है। वहीं आय खाते पर निवल्य व्यय 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 9.3 अमेरिकी डॉलर हो गया है। देश के लिए शुद्ध बाह्य वाणिज्यिक सुधार ने 2022-23 की पहली तिमाही में 3 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया है। ये इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट मैंने आपके सामने साझा कर दिए हैं। थोड़ा मैं बता दूं कैड क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। इसे वस्तु और सेवाओं के निर्यात के मूल्य और वस्तु और सेवाओं के आयात के मूल्य के बीच के अंतर को रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? कैड को। यह माल के व्यापार, सेवाओं में व्यापार और हस्तांतर भुगतान देश या उसके निवासियों द्वारा प्राप्त प्रशासन अनुदान उपहार से होने वाली आय पर आधारित होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक से रिलेटेड जो भी बच्चा तैयार कर रहा होगा वो सभी चीजें पॉइंट एक एक को समझ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मेंटर करने के लिए युवा 2.0 प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान कर लेना। ये शिक्षा मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा युवा 2.0 स्कीम ला चुकी है, जो कि बिल्कुल, इसकी मैं बता दूं पॉइंट वाइज कि युवा के अंतर्गत जो युवा आगामी बहुमुखी लेखक है, योजना 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये शुरू की गई थी। ये देश में पढ़ने लिखने पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देने और 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को शिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू की है, ठीक है मेरे भाई। सॉरी, पहले संस्करण में अंग्रेजी सहित 22 विभिन्न
भारतीय भाषाओं में युवा लेखकों को भारी भागीदारी की गई है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में योजना का चरणबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देते हुए अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं, मंत्रालय ने कहा है कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है, और ये वेबसाइट है। इसके माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। वहीं मैं बता दूं, प्रख्यात लेखक और संरक्षक 1 मार्च 2023 के अंतर्गत 31 अगस्त तक 2023 तक युवा विजेता लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, ये सभी किसमें हुई है? सिक्किम में ये युवा 2.0 सिक्किम के अंतर्गत ये सभी चीजें बोली गई हैं। आपके सामने जो मैंने रखा है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंगाल ने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगी नेशनल गेम चल रहे हैं गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, 3 शहरों में है, कौन कौन से 3 शहर है, और आपको बताना शुभंकर कौन सा है, इनकमेंट मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व सॉरी पॉइंट उसके हैं, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन ने 3 अक्टूबर को महिलाओं ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये अलग है। अगस्त में हरियाणा के अंतिम बंगाल मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को हराकर अंडर 20 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। गुजरात की हीना खलीफा, महाराष्ट्र की स्वाति संजय ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते। इस बीच वडोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपियन जिम्नास्टी प्रणीत नायक ने 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन 12 अक्टूबर को होगा। ये सभी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और ऑलरेडी इसके ऊपर एक मैं पूरी तालिका लेकर आऊंगा, क्लास लेकर आऊंगा विश्व अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, बेचिंता रहें। यूएनसीटीएडी एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.7% बी इज द राइट आंसर हो जाता है। बैंक वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी बोला तो द यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 में इसने कहा है कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था 2.6% बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया एक वैश्विक मंदी ठहराव की ओर बढ़ रही है। आप सभी को ये सचेतना में करता रहा हूं, ठीक है, अपने करंट अफेयर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजबूत क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि किस देश ने अमेरिकों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव पर रद्द कर दिया गया है? पहले उन्होंने बोला था कि टैक्स को अमीर जो लोग है वो नहीं देंगे, पर लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। कौन है? यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री लिज ट्रस जो कि अभी बनी है। कौन से नंबर की बनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन कमेंट मुझे बताना। ये विश्व अफेयर के अंदर मैंने पूरा बायोडाटा इनको बताया हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अमेरिका के लिए आयकर के उच्चतम दर में कटौती करने की योजना को उलटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले सरकार ने वहां की जो पाउंड है, जो अपने आप में दम रखता विश्व के अंतर्गत, वो डॉलर के सामने नतमस्तक हो चुका है आज के समय में। इससे पहले सरकार की एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जिसमें कर कटौती 45 बिलियन पाउंड बोला 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है, जिसका भुगतान सरकारी उधारी द्वारा किया जाना है। इस फैसले ने मतलब कुल मिलाकर लिस्ट की सरकार करेगी, ठीक है। इस फैसले ने पाउंड को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिमिज्म किस कंपनी द्वारा, ये निशान लगा लेना भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्टिमिज्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनाइट रोबोट है? तो ये टेस्ला ने बनाया है। टेस्ला कौन? वही है कौन? एलन मस्क साहब। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमिज्म नामक एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है। ये क्या है कि जो कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और सेंसर साझा करता है। इसमें 2.3 किलोवाट की बैटरी है, टेस्ला एसओसी पर चलता है, और इसमें वाईफाई एलटीई कनेक्टिविटी है। जैविक रूप से प्रो डिजाइन वाले मानव जैसे हाथ, उन्हें जैसे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर, ठीक है,
जैसे हाथ उन्हें विभिन्न आकृतियों और आकार की वस्तुओं में उठाने, एक बैग रखने, छोटे भागों पर सटीक पकड़ रखने के लिए उपयुक्त बनाएंगे। ये सभी चीजें आपके सामने पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको इसका नाम और किसने बनाया ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ला द्वारा बनाया गया, टेस्ला के सीईओ आपको पता ही होगी एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ये राजस्थान है, गुजरात है, नई दिल्ली, बेंगलोर। तो नई दिल्ली ने किए थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या है कि हाल ही में जो नई दिल्ली में राज्यों के आईटी मंत्री का डिजिटल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह संचार इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले 500 दिन में 25,000 नए टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। ये प्रॉपर तरीके को आपको पता होना चाहिए। सभी चीज इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट और जितनी भी बातें मुझे लानी होती है अपने करंट अफेयर के अंतर्गत, वो सभी मैं आपसे साझा करता हूँ। हर स्लाइड के अंतर्गत, हर क्वेश्चन के अंतर्गत ये चीज होनी चाहिए। और जो भी करंट अफेयर आप देखते होगे उसमें मेरे तरह कोई पॉइंट वाइज नहीं बताता होगा। मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट मैं लाता हूँ वो बिल्कुल सटीक और तरीके से ऐसे पॉइंट लाता हूँ जैसे कि यहाँ से ही एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाने वाला है। ठीक है, आपको ये पता होगी। तो आशा करता हूँ आज की क्लास, आज की सेशन बहुत अच्छा लगा होगा करंट अफेयर का। और इसी प्रकार से मैं आपको समझा करता रहूंगा हर चीज। और जीके से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में जीके से रिलेटेड, तो आप मेरी निःशुल्क सेवा ऑन यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से क्लास पढ़ सकते हो। 6 to 10 ऑलरेडी क्लासेस पढ़ी हैं, और प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ी हैं, सभी उनके पीडीएफ पढ़ी हैं, और टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो बिदलूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।